खुश आमदीद उर्दू की क्लास में। क्या हो रहा है? कैसी जा रही है क्लासेस? अच्छी खुशी होती है सुन के जब मेरे बच्चे ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं। तो बताइए अभी तक हम क्या कर चुके हैं? हम कर चुके हैं बे, जीम, दाल और रे के खानदान को अलिफ से मिला चुके हैं, शाबाश। और उसके अलावा हम कुछ चीजों की रीडिंग भी कर चुके हैं, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की थी। और तस्वीर का पहला हर्फ भी लिख चुके हैं और एक तस्वीरी कहानी भी पढ़ ली है हमने। वाओ, तो बड़े बच्चे हो गए हो। आज हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये आपको पता है ये क्या है? इसे आप क्या पढ़ते आए हो? इसे आपने हमेशा, और अगर मैं इसके नीचे अलिफ डाल दूं तो आपने इसे हमेशा क्या पढ़ा है? अलिफ मद्दा। लेकिन आज मैं इसके नीचे अलिफ नहीं डाल रही, आज मैं इसके नीचे डाल रही हूँ दो नुक्ते। ये क्या बन गया? ये बिल्कुल, ये आ गया मद्दा बनाया और उसके नीचे दो नुक्ते डाले तो ये बन गया ये। जैसे मैं कहूंगी ये मार्कर है, ये किताब है। आज हम ये के मुतालिक पढ़ेंगे कि ये को जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह मैं कहूँ ये मेरा कंप्यूटर है या ये मेरा लैपटॉप है, ये दवा, ये मार्कर, ये सूट, और क्या होता है इस तरह करके, जब हम बाकी भी सारे कहेंगे तो ये सारे हम लफ्ज यूज करते हैं करीब की चीजों के लिए, ठीक है? करीब की चीजों के लिए जब हम इस्तेमाल कर लेंगे तो उसको हम ये से तशबीह देते हैं, यानी कि हम ये के बारे में पढ़े हैं। आप बेटा जी इस तरह करें, अपनी किताबें निकालें केजी की और उसमें सफा नंबर 23 निकालें, तो लव ये करेंगे हम जी, सफा नंबर 23। अब आप देखें, उन्होंने ये दिया हुआ है, ये मद्दा बनाई हुई है, इसको आप ट्रेस करोगे और जब हमने इसके नीचे दो नुक्ते डाल दिए तो ये नया लफ्ज बन गया। इसे कहते हैं ये, मैंने हर वक्त में ये हम करते हैं ना। देखें, ये आम, ये आग, ये दवा, ये आपने लिखना है। ये कैसे लिखेंगे हम? ये देखिए, मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये आपने इसको लिखना है खुद से और फिर चीजें बताएं। ये मार्कर, ये डस्टर, ये किताब, ये सोफा, ये बोर्ड, और अपनी चीजें बताते जाए मुझे। हाँ जी, ये जो करीब की चीजें हमारे पास पड़ी होती है हमेशा उसका, जब ये मैंने क्या लिखा ऐसे कहते हैं ना, तो ये सब ये में आएगा। तो आप लोगों ने ये की ट्रेसिंग करके इधर ये की प्रैक्टिस खुद करनी है। इसका बेसिक मकसद ये है कि आप लोगों की लिखाई दुरुस्त हो जाए। इसके साथ हम आज एक और चीज भी पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपने शोशों के ऊपर पेंसिल फेरनी है, फिर आपको बताती हूँ ये शोशे किसके थे। ये ऐसे है ना, ये आगे शोशे, ठीक है? अब जब ये सारे शोशे मिलाए तो देखिए, हमने जो अभी सीन के दो शोशे किए हैं, ये दो दो भी हैं। ये देखिए, ठीक है? अब क्या आया? अब आया सिंगल शोशा, लाइक यू, और उसके साथ है जी बढ़िए। सिंगल शोशा बढ़िए, सिंगल शोशा बढ़िए। ये क्या बनता है जब ये दो ये शोशा और ये बढ़िए मिलते हैं? हे बढ़िए है, ये क्या बन जाता है? आपने ये के मुतालिक पढ़ा ना, है। ये देखिए, आपने अब शोशो की मशक कर ली, पहले सारे, फिर दो, फिर सिंगल, फिर साथ में बढ़िए और हे का कुंडा। ये कुंडा है हे का जो हमने नीचे लगाया है, ठीक है? ये देखिए, ये हमने मिलाया हे के साथ बढ़िए और ये नीचे कुंडा, हे के साथ बढ़िए और नीचे कुंडा, हे के साथ बढ़िए और नीचे कुंडा। ये जब सारा आ गया तो इसको हमने बोला है,
ये है, ये क्या है, ये आम है, ये आम है। पीछे आपने ये लिखा, ये मार्कर है, ये किताब है, ये स्कार्फ है, ये चेहरा है, ये हाथ है, ये उंगली है, ये डस्टर है, ये बोर्ड है, ये 11वां हफ्ता है, ये चौथा दिन है, ये और क्या हो गया, ये सोफा है। ये के साथ जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, ये है करके जितने भी बनते हैं आपने वो करने हैं, ठीक है। आपने अब है को लिखते हुए ना, ये को मिलाया बड़िए के साथ, ये आ गया हे का कुंडा। ये को मिलाया बड़िए के साथ, नीचे डाला कुंडा। ये को मिलाया बड़िए के साथ, नीचे डाला कुंडा। ये को मिलाया बड़िए के साथ, नीचे डाला कुंडा। हे बड़िए हे बड़िए हे। ये आपने हे और ये को लिखना है, और इसको लिखने की बार बार प्रैक्टिस करनी है और ट्राई ये करनी है। जैसे ये आम लिखा है, आग लिखा है, बारी, और वो जो हमने जा के साथ वर्ड्स प्रैक्टिस किए थे, उन सब को भी आपने लिख कर उनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, ये और है, आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है ये और है को लिखने का तरीका, और इसको लिखने की मश्क किया है। कैसे लिखना है हम लिखेंगे हे के साथ मिलाया बड़िए और नीचे डाला कुंडा। हे के साथ मिलाया बड़िए और नीचे डाला कुंडा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक, और उससे नेक्स्ट वीक जब हमारा वीक 13 टर्म 2 स्टार्ट होगा। ये हमारे टर्म 1 का लास्ट डे था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को देखते रहिएगा और लोगों को बताते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।